हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैंने यहाँ पे चाय रखा है और अदरक जो है कूट रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग पहले बताया हुआ, अदरक वाली चाय मुझे ज़्यादा पसंद है। धनु स्कूल से आ गए हैं, उनको अभी रोटी बनाकर खिलानी है, तो उनको अभी मैं रोटी खिलाऊँगी। मैं भी खाऊँगी, खाई हूँ इसलिए वॉइस ओवर में बता रही हूँ। और प्रीति आई हैं, मौसी जी आई हुई हैं, मौसी जी भी गाँव जा रही हैं इसलिए, और प्रीति को अपने साथ रखेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे 2-4 दिन। तो थोड़ा सा मन भी लगा रहेगा, उनके भैया बोल रहे हैं कि रह जा प्रीति। मैंने भी बोला उनको कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वॉइस ओवर कर रही इसलिए मैं बता रही हूँ कि रुक गई हैं, वो हमारे साथ है। आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं सोचती हूँ ना कि मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें बताऊँ, ऐसे बताऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कभी इंसान को बोलना चाहिए या फिर चुप ही रहना चाहिए। चीज़ें किन चीज़ से सारी चीज़ें ठीक होती हैं, मैंने आपको बहुत पहले अपने ब्लॉग में बोला हुआ है और कई बार बोला हुआ है कि मैं, मेरा जो व्लॉग है, मैं सिर्फ उसमें अपने आप को, अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को दिखाऊंगी। कितनी बार मैं क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी इतने एलिगेशन, इनको नहीं दिखाया, ये करते हुए नहीं दिखाया, वो करते हुए नहीं दिखाया। भाई मुझे नहीं दिखाना तो मैं क्यों दिखाऊंगी? क्या इसके पीछे का रीज़न आप लोग समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो। आपको तो बस बोलना है और आप बोल दोगे, ठीक है। और कभी भी एक बात तो है, जब तक मैं किसी चीज़ को अंदर से महसूस नहीं करती, चीज़ों को मैं सोचती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, तब तक मैं बोलती नहीं हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तबीयत आप लोग मेरी पूछ रहे हो और मैं आप लोगों की पूछ रही हूँ। सो ठीक हूँ, और दर्द पहले से आराम है। अभी मैं आई थी, नीचे गई तो ऊपर आ रही, तो ध्यान रहा कि हाँ मुझे कपड़े धोने हैं, और बिल्कुल भी जब नीचे जाना हो रहा है तो भूल जा रही हूँ। सो सारे कपड़े जो है ना खोल खोल के इन्होंने रखे हुए हैं, कई दिन के कपड़े इकट्ठे हैं, ऐसा इन सबको धोने के लिए भी डालना, सांस से फूल जाए पता नहीं क्यों। बाबू का भी है तो मैं धोने के लिए लगा दूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइज ये है वो कपड़े, एक बाल्टी इकट्ठा हो गया है, ये सांस नहीं उठा सकती ना, इसलिए सांस उठा, भारी उठाने में दिक्कत होगा। लाइट तो बंद कर दूँ, तो इसे मैं धोने के लिए डाल दूँ। बस कुछ दिन और थोड़े से और टाइम लगेगा, मॉडलर जो है कुछ आ गया है, कुछ आना है, फिर सारे साफ़ सफाई हो जाए, फिर दिक्कत नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे ना जो मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ रखूँ, कैसे वो करूँ, इधर उधर खा जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं, ऐसे एक स्थायी जगह बन जाएगा उसमें करेंगे। मौसी जी गांव जा रही हैं तो मैंने सोचा मैं सबके पैर छू लेती हूँ, तो यहाँ मैंने पहले ही पैर छू लिया। तो कहाँ जा रही हो रवीना? जल्दी से फटाफट दूध लेके आओ। धनु आपको क्या चाहिए बोल दो, दीदी लेते आएंगे। 200 रुपया है? लो और लो और लो और लो पैसे लो। क्या लाओगे? बस दूध ही लाना है। नहीं और कुछ नहीं लाना है? रुको मैं पैसे दे रही हूँ। 4 किलो? हाँ 4 किलो दूध। ये लो तुम अपने लिए और बाबू के लिए कुछ खाने के लिए ले लेना। 500 नहीं दूंगी तो 500 निकल गया, तुम्हें 20 रुपये देती हूँ। 20 रुपये के लिए 50 रुपये। कुछ खाने के लिए ले लेना, ठीक है? आपको कुछ चाहिए प्रीति? तू आ जाओ, आ जाओ धनु, कैसे काट रहे हैं? चलो बाबू, चलो 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 चलो। सुसु लगी है गाइस, हमने अब सबको भगा दिया, मैं और प्रीति ऐश करेंगे। धनु को देखा है? धनु पता कब दिखोगे? सिस्टम करेंगे, तो पास हो तब तो दिखोगे। क्या करेंगे? सिस्टम मौज करेंगे। और मैंने तो चप्पल किसका पहन सकते हैं?
ऐसी खा, ऊपर से एक ऐसी पहन लिया, सब पैसा तो मैंने क्या हाल कर रखा है। धनु ने पैसा बटोरा है, कह रहा लाख करोड़ कितना पैसा, पता नहीं किसने किसने कहाँ कहाँ से बटोर के लाया। चलो चलो जल्दी चलो, याद है भूल गए? प्रीति देखो क्या होता है, इस बार नहीं रोया है ना, हमने इतना रोता था ये। मैंने इसको ना बोला बाबू चलो चलो गाड़ी जा रही है उसी में रोते रोते बैठ गया। अच्छा जाने के टाइम पे ना, मैं आ ही रही थी कि रुक जाओ मैं आ रही हूँ, मैं उतर के गई, गाड़ी निकल गई। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया कि रो रहा था, मैं आ रही दौड़ के लेके चले गए। आओ धनु चलो अब अपने काम पे लगते हैं, और हमारा काम है अब अरे बाप रे बाप, इसमें और पैसे थे, कहाँ गए मेरे पैसे? ये थे पैसे, ये पैसे ले लो, चार्जर भी है। तो गाइस मैं माला माल हो चुकी हूँ, 1100 से ज्यादा। वो देखो प्रीति बुआ को 500 रुपए, बोल बाबू मेरे पास 1100 दू। ये देखो बुआ को दिखा दो, आपसे ज्यादा है, 500 है, नहीं 1100 है, देखो 1100। चलो ठीक है अब रखती हूँ। पापा बस बिस्किट बिस्किट मंगाते रहते हैं, इतना बिस्किट कौन सी है ना, और वो सूजी भी आपने कहा ये सारा बिस्किट ही मंगा रही है। वही तेरी भाभी भी बोली कि बिस्किट नहीं था, तो मैंने कहा मंगा के रख देता हूँ, एक हफ्ते के लिए भी नहीं की सर, कौन बार बार मंगते जाएगा। रवीना मुंह बना के घूम रही थी, मैंने बोला क्या हुआ है रवीना? तो कह रही है सर में दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा तेल लगाया और उसके बाद एक दवाई भी दिया कि खा लो तो थोड़ी ठीक हो जाओगी, इसीलिए हंस रही थी। हमारी ननद भाभी की जो मस्ती है वो शुरू है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे धनु के जो सारे बुक्स मिले हैं ना, मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मैं कुछ भी इनकी नहीं कर पाई थी, जैसे कि इसमें नेम प्लेट लगाना था जो स्टिकर होता है, एंड नाम वगैरह लिखने थे, तो वो सारा काम जो मैं अभी बैठ के कर रही थी, धनु ने बोला, मैम ने बोला सारी बुक्स मुझे दे देने के लिए, अब वो अपने स्कूल में रख लेंगे ये सारी जो बुक्स है, तो इसलिए मैंने ये सारा जो है काम करके उनका दे दिया। और यहाँ पे बैठे बैठे हम अपनी बातें भी कर रहे थे, आज तो हमने मूवी भी देखी, 2 घंटे की मूवी थी, अच्छी मूवी थी, तो हम मैं और प्रीति बैठ के मूवी देखें, और साथ में रवीना भी, उसको भी मूवी बहुत पसंद है, मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं थोड़े से टेंशन में या प्रेशर में रहती हूँ ना, तो मैं मूवी ज़रूर देखती हूँ, और वो भी मतलब मिस्ट्री वाली, पता है आपको माइंड इससे आपका कितना रिलैक्स होता है, आपका माइंड जो है कहीं और डाइवर्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों से। मतलब मुझे नहीं पता कि एनिवर्सरी हो गई, ऊपर से फ़ोन कर रहे हैं, मुझे अनु का भी मैसेज आया, अच्छा देखा मैं कि इतनी रात को क्यों मैसेज करी, खोल रहे थे लिखा हुआ हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, तो नहीं है भगवान। धनु इधर आओ, मम्मा की आज एनिवर्सरी है बेटा, इधर आओ, मम्मा को बोला ऊपर इस इधर से हम मूवी देख रहे हैं ऊपर अच्छे से, मम्मा के पास अभी तक सोया नहीं, इधर देखो सामने देखो कैमरे में, बोला हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा, हैप्पी पकड़ो ना भाई सामने प्रीति का सच, हैप्पी एनिवर्सरी। लाइट की वजह से अच्छी नहीं आ रही, इधर से बनाना पड़ेगा है, इधर हम दोबारा रिट। श्रीपति देव जी पूरे 8 साल झेल लिया आपको, हंसते गाते रोते नाचते में, ये बोलो उन्होंने झेल लिया कैसा कितनो बुतार हंसुए रही खींची अपने वरुए वाला हलवा, बट भैया कहीं पक्ष लिया जाएगा है, और क्या है? और क्या देखो सुख सुख के आधे हो गए
आप तो मोटा गई हो शादी के बाद। मैं पतली थी ना इससे, मुझे भी पतला कहते हैं। मैं सोचा मैं इससे भी पतली थी, पतली 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 वाली। सो आज आप बताइए, आज आप मुझसे प्रॉमिस क्या करेंगे? अभी किसी भी एनिवर्सरी पे आपने मुझे प्रॉमिस नहीं किया है, तो आप मुझे बताएंगे क्या क्या प्रॉमिस करेंगे? ये मुझे लल्लू चप्पू करना अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी अच्छी हूँ। हाँ चलिए प्रॉमिस कीजिए मुझे। एक रुपया डाल दो। मेरे दिमाग में चलता है मैं प्रॉमिस करूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस जल्दी बता, पता नहीं था ये कौन सा प्रॉमिस है। क्या मैं खुश रखूंगा? अच्छा हमेशा खुश रहो आप। खुश रहो मेरी गारंटी मतलब। बाबा जी आशीर्वाद दे दिए था खास। तू हैप्पी एनिवर्सरी भैया। भैया मैं आपकी एनिवर्सरी पे देखो मैं रात में ही आ गई। मैसेज आया था। अच्छा तो वही देखा आपने अभी फोन किया, मैंने उठाया तो उसी में देखा मैसेज है, मैं कह रही जा मेरी एनिवर्सरी है मैसेज। बढ़िया से बोली देखो। अरे इसने वो भी नहीं किया लास्ट से जा। मेरा साउंड बस बंद बंद करो बंद करो। देखिए जल्दी 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 देखिए आजा। ये उधर वो भी मिल गए क्या उसको? 16 पे था प्रीति, 16 पे। हैप्पी एनिवर्सरी बहन। थैंक यू सॉरी। अरे हैप्पी एनिवर्सरी बहन। मैं वो मूवी में ज्यादा घुस गए थे। बोल रहा थैंक यू। आपकी एनिवर्सरी का थैंक यू बोल रहे हो? ऐसी एक हॉरर सीरीज है। कल छुट्टी है? नहीं कल छुट्टी कहाँ है, कल ऑफिस है। सो गाइज़ धनु को स्कूल छोड़ के आ गए हैं और आज है हमारे एनिवर्सरी, तो 16 तारीख का यह है ब्लॉग। इसके बाद भी ना एक और ब्लॉग जाएगा, ठीक है? उस ब्लॉग को आपको काफ़ी अच्छे से इंतजार होगा, मुझे पता है। मैं दिखाऊंगी उसके शॉर्ट्स भी डाल दूंगी, जिससे आप लोग आओगे और ब्लॉग को देखोगे। और जो भी ब्लॉग देख रहे हैं ना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग की तरफ से मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ये पूजा कर रहे थे और इस बार देखो जय इतना अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा। लेकिन वो अपने तरीके से करते हैं। और यहाँ पे इस बार देखो जय कितनी अच्छी हो गई है ना। हम जो बालू लाए थे ना, आपको डाउट था ना कि बालू में जमेगा कि नहीं जमेगा। और फिर बाहर से और बालू आए तो हमें लगा पता नहीं मिक्स होगा जमेगा कि नहीं जमेगा। कितना अच्छा जमा है सब, पूरा घर में घर में। मैया ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली इस बार। तो देखो वो हो गया कुछ कमाल ही हो गया। कैसे तैयार हो गए हैं और ये ऑफिस जा रहे हैं। देखिए गाइस लोग आज हमारी एनिवर्सरी और ये जा रहे हैं ऑफिस। तुम कहाँ हम कहाँ? हम ऑफिस आप घर में। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है? तो आज थोड़ा स्मार्ट लग रहा। थैंक यू, मैं हमेशा स्मार्ट लगता हूँ। चलिए हैप्पी एनिवर्सरी, बाय बाय। सो गाइस अभी मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, थोड़ी सी बात करूँगी बस, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट देखे ऐसे, इसलिए कि छठ पूजा था या कुछ भी था, आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, ऐसे नहीं दिखाया, वैसे नहीं दिखाया। तो मैं यहाँ पर सिंपल सीधी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब मैं व्लॉग में दिखा ही नहीं रही हूँ तो मैं कैसे किसी को दिखा दूँ कुछ भी करते हुए, ठीक है? ये आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से सोच रहे हो, किसके बारे में क्या सोच रहे हो। ये मैंने जो किया ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया ताकि ना कोई देखेगा व्लॉग में और ना ही कोई किसी को ऐसे गलत बोलेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता कि मैं व्लॉग में नहीं दिखा रही तो वो कहीं भी नहीं दिखती। मैं अपनी सासू माँ की बात कर रही हूँ, अगर वो कहीं भी नहीं दिखती तो शायद आप लोगों को ये नेगेटिव कॉमेंट नहीं आते। लेकिन हाँ ठीक है, इसका भी जिम्मेदार मुझे ठहराया जाया जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कब दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप बाबू वगैरह के साथ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। लेकिन बस वही आप लोगों का सवाल, आपने पैर नहीं छुए या ये नहीं किया, बोलेंगे जो भी है जैसा भी है, मैं दिखाई नहीं रही हूँ कुछ भी, तो आप खुद से अज्यूम कर सकते हो। यही सारी बातें हैं, तो आप इस चीज़ को समझो कि मैं नहीं दिखा रही हूँ और अभी दिखाऊंगी भी नहीं। दूसरी बात कि एक बार के लिए सोचो कि जो भी अभी पिछले टाइम में हुआ, क्या वो कंटेंट था, क्या वो व्यूज़ के लिए था, या फिर सच में सारी चीज़ें थी? जिसके साथ सच में ये सारी चीज़ें होगी ना, उसके माइंड से ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। वो इस चीज़ को इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो एक छत के नीचे रह रहा हो या चार छत के नीचे रह रहा हो। माइंड से इतनी आसानी से चीज़ें नहीं निकलती। अगर सच में मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं वो गलत को महसूस करूँगी, मैं उस चीज़ को देखूँगी, मेरे मुँह से नहीं निकलेगा। जिसने मुझे गलत बोला या मेरे साथ गलत किया है, इतनी आसानी से चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, इतनी आसानी से नहीं निकलता मन से और दिल से। अगर ऐसा हुआ है तो नहीं निकलेगा। अगर हाँ मैं सिर्फ वीडियोज़ के लिए आके बोल दूँ कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूँ यहाँ पे आके, तो मैं अपने माइंड को बहुत जल्दी सेट कर दूँगी, अरे वीडियो डाला ना, वीडियो चल गया ना, कंटेंट हो गया और मैं आगे
चलो ठीक है, मैं दिखाती हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, मैं बहुत हंसी खुशी रह रही हूँ, मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, ऐसा नहीं चाहती मीन्स कि नहीं चाहती, मैंने ये बोल दिया कि मैं वीडियोज़ नहीं डालूंगी, ये होता है। लेकिन अब आप लोग को बनाना है चाहे जो भी है जैसे भी है, मेरे पास अभी पहले के भी वीडियोज़ पेंडिंग है, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आगे चल के, शायद आज ही शेयर करूँ या कल शेयर करूँ, वो दो तीन दिन पहले के शूट हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है शेयर करना, तो वो मैं शेयर करूँगी। साथ में ही अभी इसके बाद भी आप लोगों को एक ब्लॉग जाएगा जो कि कुछ अलग स्पेशल ब्लॉग है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि उस ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मैं यहाँ पे बस, मुझे नहीं पता कि मैंने जो बात बोली वो सही बोली या गलत बोली, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो इसलिए आप लोग मुझे ये कमेंट मत करो, जो मुझे समझ रहे हैं वो तो नहीं ही कर रहे, बस अब दो चार लोग जो भी आ रहे हैं मुझे नहीं पता कैसे, मेरे चैनल पे अभी भी उनके कमेंट है, तो क्या मेरा मांग भरा नहीं भरा, मैंने पैर छुआ नहीं छुआ, क्या किया नहीं किया, अगर मुझे नहीं दिखाया तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, इस चीज़ को आप लोग समझो। और कोई भी अगर मैं बात बोलती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा मतलब वो चीज़ मुझे पता होता है 100% मैं श्योर होती हूँ तभी मैं आके बोलती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती। तो गाइज बस इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।